वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल, दिस इज हितेश हियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्टोकोन बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे, जिसके अंदर की नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है हमारा, मेथड टीचिंग क्या यूज़ करने वाले हैं हम, क्लास कौन सी है, एवियट्स क्या क्या यूज़ करेंगे हेल्टोक के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहने वाले हैं हमारे, टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा हेल्टोक प्रेजेंट करने में, और किस डेट को हम हेल्टोक प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज लिख लेंगे ग्रुप मेंबर्स की, भाई टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी इन्फॉर्मेशन है ग्रुप मेंबर्स को। इसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, और जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जिसके अंदर क्या क्या जाएगा। सबसे पहले एट द एंड ऑफ द लेक्चर द ग्रुप विल नो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बीपीएच, डेफिनेशन ऑफ बीपीएच, कोज रिस्क फैक्टर्स ऑफ बीपीएच, साइन सिम्टम्स ऑफ बीपीएच, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ऑफ बीपीएच, ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच, ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेंगे बीपीएच का, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इसे लिखने के लिए वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। BPH is a condition when the prostate gland is increasing in the size that leads to compression and then the obstruction of the urethra which affect the urinary flow. BPH is the fourth most commonly diagnosed disorder among the patients 50 years after CAD, hypertension and type 2 diabetes. मतलब फोर्थ नंबर पे सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाला डिजीज़ है ये मेल्स के अंदर। इसके बाद हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी वाले कॉलम में जो भी हमारा मेथड है, जैसे कि लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, एवियट्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड, वाइट बोर्ड, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लिख लेंगे। और लास्ट में एवोल्यूशन के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ बीपीएच, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम डेफिनेशन लिख लेंगे बीपीएच की। बीपीएच इज़ एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड दैट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द यूरेथ्रा कॉजिंग यूरिनरी सिम्टम्स, जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन, ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। डेफिनेशन के बाद हम कॉजेज लिख लेंगे, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। कॉज, मेन कॉज तो इसका अननोन है, आइडियोपैथिक ही है, ओल्ड एज अबव 50 इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ये। रिस्क फैक्टर्स के अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी की वजह से हो सकता है, हॉर्मोनल अल्ट्रेशन, प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन, ये रिस्क फैक्टर बन सकते हैं इसके बीपीएच के। इसके बाद हम साइन सिम्टम्स के बारे में लिख लेंगे, जैसे कि इन अर्ली स्टेज देर में नो सिम्टम्स, भाई शुरुआत में जब ये कंडीशन होने लगती है तो कोई सिम्टम्स आता नहीं है खास। इन लेटर स्टेज जो सिम्टम्स आते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन, नॉक्सूरिया, डिशूरिया, हेस्टेंसी इन द स्टार्टिंग यूरिनेशन, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, बर्निंग मैच्योरेशन, ये हमारे सिम्टम्स हो जाएंगे। ठीक है, सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस कैसे करेंगे, भाई डायग्नोसिस के लिए यूरिन एनालिसिस कर लेंगे, सीरम टेस्ट, बर्न इंक्रीज हो जाएगा इसमें, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, सीरम पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एलिवेट्स रहेगा ये। ठीक है, इसके बाद हम ट्रीटमेंट के मेथड यूज़ करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट किया जाएगा, जिसके अंदर की अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स प्रोवाइड किए जाएंगे पेशेंट को, एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट्स दिए जाएंगे। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट होगा इसका। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर टर्प, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, इसके बाद प्रोस्टेक्टोमी कर दी जाएगी, सुप्रा प्यूबिक, रेट्रो प्यूबिक एंड पेरिनियल, ये हमारा मैनेजमेंट हो जाएगा किसका, बीपीएच का। ओके स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट के बाद हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है, हेल्प ली है ये लिखने के लिए, तो ये बुक्स हो जाएंगी तीन, ब्लैक की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ब्रूनर सिद्धार्थ, पी के पवार। इसके बाद हम नेट रेफरेंस लिख लेंगे, भाई हमने कौन सी वेबसाइट की हेल्प ली है, ये वेबसाइट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।